भाई की शादी, क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे? सुनिए, वाणी की शादी पता है। ओ, मैं जूते पहनना भूल गया, अभी से क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना, स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो, नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी के लिए। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया, वाणी के राइट में जो खड़ा। फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। देने वाले इधर ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की, ज्यादा की का नहीं करने का। ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो, धन्यवाद मैडम। ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में, ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या। तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों, बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या, चाकू जैसा तेज है? लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोटपोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी भी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा। तो क्या, मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा, तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया, जान बचाई है तुम्हारे लिए, जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है, तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही, या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से? कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर वन, ओरैंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी, बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा, व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है, च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं? क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब। आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। वो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस,
प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी? मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है, है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं, अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा, हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। अब कौन आया? आ गया हीरो। खाली हाथ आया है? चिकन चिकन नहीं लाया? पंखा काम नहीं कर रहा, इसका इलाज कर। तो जाग जाइए, आपके आसपास न जाने कितने कातिल घूम रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, आज शहर में एक मर्डर हुआ जिसने सनसनी फैला के रख दी। लोग मर्डर की न्यूज़ से कम इस नौटंकी से ज्यादा डरते हैं। मतलब किसी ऐरे गहरे आदमी का नहीं हुआ है, बल्कि वीरू भाई के आदमी का, देवा का। सोचने वाली बात यह है, ना चाकू का इस्तेमाल किया गया ना गन का, बल्कि शौक देके मारा। ऐसा झटका दिया कि वो हमेशा के लिए झटक गया। ऐसे कई कातिल आपके आसपास भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं आपकी जान को भी उनसे खतरा ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चैन से जीना है तो अपनी आंखें खुली रखकर सोना, क्योंकि शातिर कातिल को ना गन ना बम की जरूरत है। आपकी जिंदगी लेने के लिए एक छोटी सी वायर ही काफी है। ये भी हो सकता है कि पंखे की हवा ही आपकी जिंदगी की हवा निकाल दे। हीरो जैसी पर्सनैलिटी वाला भी खूनी हो सकता है। हो सकता है आपकी ही बगल में हो, आपके ही सोफे पे बैठा हो, और जैसे ही आपकी नजर हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना। एक्सक्यूज मी, ये टीवी क्यों बंद कर दिया? रात को नींद नहीं आएगी। सर, मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया, प्लीज मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर देना। अच्छा तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आपके इस बड़े से महल में किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। किसी को मेरे बारे में पता चला या मेरी इजाजत के बिना तुमने घर छोड़ा तो इस क्राइम स्टोरी में अगली खबर तुम्हारी आ जाएगी। प्लीज इस तरह का बम्पर ऑफर मुझे मत दीजिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। सर, मैं जरा होके आऊं। अब कहाँ जा रहे हो? सुसु, प्लीज। थैंक यू सर। फिर से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो चितर बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काओ करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माताजी? हम कौओ पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। Here we go.
लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई इन्होंने, पहनाई। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो, निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों, ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा, मतलब मॉर्गेज रखा। मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूं। आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, पीनी नहीं पिलानी है। तो फिर क्यों रे, बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मरमर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। हाँ, और कॉफी चाहिए? नहीं नहीं जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या सौरे? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ, कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। हा? कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना, वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दे। आओ ना। है? क्या है ये? मैं हूँ। आओ, तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। Here's the party boy and playboy come together. You know they how much they work hard for the baby. He got the six pack, he got the family pack. They gonna put all their money for the baby. रोमांटिक मूड की बैंड बाजा बारात कर दी। वो मेरी डार्लिंग है, आई लव हर। ए लालच बुरी बला होती है, तेरी हाइट उसकी हाइट से मैच नहीं करती, मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है। सेम हाइट वाली लड़की को किस करने में मजा नहीं आता। हाँ, मजा तो एक ठिकनी लड़की को बाहों में उठा के किस करने में आता है। है ना मेरी बात मैडम? हेलो सर, माला गेट टू मनाइका। बाल है या नारियल के रेशों से बनी झाड़ू? माल अगर तू मने खा। नाना गेट टू मने क्या? आपके यहाँ कोई ऐसा माल नहीं है जो हिंदी में हाल चाल पूछे? शांता भाई, शांता भाई, क्या मदद करूँ? हमें डांस सीखना है। तुम्हें हिंदी आती है? हम्म। कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 हैं। अब तेरी, तू ही बात कर ले यार, मुझे डांस सीखना है। आपको कौन सा डांस सीखना है? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, साल्सा? हमें डांस सीखना है, चाइनीज खाना नहीं खाना है। ए, ये सारे डांस के फॉर्म्स हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। ये साल्सा, जलसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक, मिल्कशेक हटाओ, कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस मेंटल की बात मत सुनो। मेंटल? ये लड़कियाँ कौन सा डांस कर रही है? ये हिप हॉप। हाँ, यही सीखना है। सिर्फ आपको सीखना है या दोनों को? ओनली वन। वन नहीं, टू। ये लो डांस की पूरी फीस, रख लो। मैडम, ओके गर्ल्स रिलैक्स,
मैडम ये नए स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हिप हॉप सीखना है। ठीक है तुम जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। हाय आई एम नंदिनी। नमस्ते मैडम। अकल वकल है या नहीं? मैं बिरजू, तुम मुझे प्यार से बियर पी सकती हो, कह सकती हो। पोपट कर दिया तो फिर उड़ जाना। लेट्स डांस, कम ऑन। मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ, मैं अभी आपकी डांस टीचर को बुलाती हूँ, जाके पीछे खड़े हो जाइए। आज सिर्फ वार्म अप करते हैं, डांस मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ओके। जैसी मैम। Yes, ma'am. Tingu. मेरा नाम जस्सी है, तुम्हारी टीचर। मेरे सनग्लासेस दो। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स डांस। ए आओ ना। मैडम एक छोटा सा डाउट है, आप डांस टीचर हो या कंग फू टीचर? क्या तुम्हें मैं डांस टीचर नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे म्यूजिक बजाओ। Stop ऐसे। हिप हॉप में पूरी बॉडी हिलानी होती है, तुम तो सिर्फ अपना हिप हिला रही हो। ए मिस्टर, ये है हिप, ये है अप, हो गया ना हिप हॉप। हिप हॉप में बस इतना ही हिलाते हैं? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। म्यूजिक। ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। मुंह बंद, कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे सुनो तो सही, तुम बिना बताए डांस क्लास से चले क्यों हैं? तो और क्या करता, टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाता। उस पागल औरत ने तो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप करके कमर की माँ बहन एक कर दी। हम यहाँ नंदू को पटाने आए थे, तो फिर ये नौटंकी क्यों? हम का क्या मतलब, मैं आया था। पहले तू अकेला था, लेकिन अब दुकेला हो गया है, ये जॉइंट वेंचर है। जब से उसने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टनाटन। ये गलत है, तुम मेरे कंपटीशन में खड़े हो रहे हो। चुप साले, तू खुद को क्या हीरो नंबर वन समझता है? तेरी हाइट 6 फुट है, तेरे सिक्स पैक एब्स हैं, इसलिए तेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। लेकिन इंडिया के 60% मर्द हमारी तरह हैं, पेट बाहर दिमाग अंदर, तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। नहीं नहीं नहीं, अब प्लीज प्लीज आप पीछे जाओ ना। ओके ओके, तू इतना भीख मांग रहा है इसलिए तुझे एक ऑफर देता हूँ, बम्पर ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर तूने एक हफ्ते में नंदू को पटा लिया तो ठीक है, वरना यहाँ से अपनी तशरीफ उठाकर वापस इंडिया कट लेना। अच्छा ठीक है। एक और डबल धमाका ऑफर है, रोज रोज नहीं मिलेगा। सुन, नंदिनी को पटाने में मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। थैंक्स यार, अब तो नंदिनी मेरी होके रहेगी। तुम्हें बुला रही हूँ। यस। तुम नहीं, वो। ए मिस्टर, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ? सुबह सुबह चुड़ैल के दर्शन। नाउ गर्ल्स गो एंड रिलैक्स, बॉयज अपने रिहर्सल शुरू करो। आ, जैसे इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर दूंगी। ओके ऐसे मत देख यार, कुछ होता है। ओके नाउ डू दिस। हेलो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लाइक दिस यू सेड राइट? स्टॉप। डेविड। यस मैम। तुम्हें ये मूवमेंट आती है ना? आती है ना मैम। सिखाओ इसे। ओके मैम। प्रैक्टिस करना, मैं कल देखूंगी। हेलो, वहाँ क्या देख रहा है? फिगर मस्त लगा क्या?
बहुत मस्त। तेरा नाम क्या है, कहां से आया है तू, अपना मुंह क्यों नहीं खोलता है, बोलता क्यों नहीं है? मैडम ने ये सब पूछने के लिए बोला है। मूवमेंट सिखाओ सर। 1 हेलो। यस। वैसे आपकी उम्र कितनी है? जस्ट 22। मेरी 16.5। झूठ बोल रहा है बमता गोला। मुझे चलेगा। चलो अब साथ मिलकर करते हैं पापा पापा प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। कम ऑन, 1 2 3 4। बस 6 7 8। ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे डांस सिखाओ। हाँ चलो सिखाओ। ये हिप, रुक, ये हिप अप, हिप अप, हिप अप। इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नया सिखाओ। ओके, कुछ नया सिखाती हूँ। ओके हाँ। ये है हिप। अब ये हिप है। ओके, ये अप, ये अप है, ये हिप, ये अप, ये हिप, ये अप, ये हिप, हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप अप। अरे यार दिमाग का दही करना बंद कर। वो माइकल जैक्सन तुम्हारा डांस देखता तो दोबारा मर जाता। तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते डांस करते हैं। है? ओ, हो, तुम भी मुझसे अच्छा डांस करती हो? बिल्कुल। यानी तुम गली की कुतिया हो? तुमने मुझे गली की कुतिया कहा? But I love you. थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। You mean husband या rubber band? Husband बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी wife है। Personal, ये मटका मैंने दिया है। बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका operation है। आपकी signature चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, 1 घंटे में हम parents बनेंगे, 2-2 बच्चों के। I'm out. अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसॉर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चर जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ, इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की। अच्छा? Yeah. पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था,
अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को! मम्मी बचाओ! तेरी तो मुझे गंदा कहा, मैं तेरे गन्ने जैसी लगती हूँ। मार गोला ताकत से मार, रख लो मुझे क्या कर दीवी, और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो कैश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू गधा की मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? मेरी होनहार और चैंपियन बेटी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। मैंने क्या किया अंकल? तो फिर किसने किया? तुमने उसे बहकाया होगा। जलेबी की तरह सीधा ही है। मैं बात करूंगा, मैं समझाता हूँ ना। मेरे भाई को फांसी की सजा दी जाने वाली है, और ऐसे में मैं अपने गेम पर कंसंट्रेट कैसे करूं? सुनो, पुराने हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग मत रटो। तुम्हें क्या लगता है कि जिनका खून का रिश्ता होता है सिर्फ उन्हीं को आंसू बहाने का हक है? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारा क्या रिश्ता है। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही उसके लिए सब कुछ। तुम तो काफी इमोशनल हो गई। इमोशनल नहीं हुई, मैं कुछ सोच रही थी। तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी है। खोखली फ्रेंडशिप है। खोखली कहती हो? काफी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हमारे बीच में गलत फहमी पैदा करनी चाहिए, हमें दुश्मन बनाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से ग्रेट फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? लव को दोस्ती के लिए डोनेट कर दे, बाइक रेस खुद जीत रहा हो तो मेरे लिए हार जाए, मैं यहाँ गिरी हूँ तो दर्द उसे हो, यही ना इसे फ्रेंडशिप कहती हो? मेघना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। श्री राम वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। श्री राम तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, जब वो आएगा क्या जवाब दोगी? कम ऑन, स्टार्ट प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ। नहीं जाएगी, ये तेरे झांसे में नहीं आने वाली। तेरे जैसे सलच्छा बहुत आशिक देखे मैंने। तू समझता क्या अपने आप को? तू मेरे बाजू में आगे खड़े रहे क्या रे? खुद को समझता क्या है तू? क्या कर रहेगा तू मेरा? बोल ना। काशी अंकल, आप इतने चिड़चिड़े, तमतमाए और बौखलाए क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए। यहीं खड़े रहिए। मेघना, अंकल के लिए बीपी की टैबलेट लाओ। जाओ। बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये गोली मैं नहीं, तू खाए। लगी जोर से? मर्द को दर्द होता है। तो फिर आपको इतना इमोशनल होने किसने कहा था? मेघना के साथ तुम्हें अकेला देखकर इमोशन आ गया। तुम सनी की तरह इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो? ये सनी कौन है? सनी को नहीं जानते? याद आ गया, बड़ी मुझे सीना टांग के चिल्लाता है। सही कहा, पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं तेज खाता है वे। क्या कहा था तुमने? मुझसे पंगा लेगा। ले 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 ले, धक्का मारा था ना मुझे, अब मार मारना, धक्का मार मुझे, अब मुझे हाथ लगाता है साले। अभी तक आई नहीं है, दो चार। अरे काशी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, वो आती होगी, आपके हार्ट को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। दो दो, अरे बीपी की गोली दो, लो 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 लो, खाओ खाओ खाओ, खाओ ना। ये टॉफी की गोली नहीं है, जाओ पानी लेकर आओ। जाओ जाओ, तुम जाओ वरना ये मर जाएंगे। जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ और लेट आओ। सही से छू, सही से छू, मार मार, खुद को मार। पहले ही तुम इस घर के माल को काफी लूट चुके हो। आइंदा अगर मेघना के बाप को बिजनेस या डील के बारे में चुना लगाया तुम कान के नहीं। वाटर और टेबलेट की जरूरत नहीं है, धूप में खड़े खड़े अच्छे हो गए हैं। काशी अंकल इसे कह दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। I'm ready. Good. Hey मेघना, That's good. Thank you. ये तो तैयारी नहीं थी, फिर अचानक कैसे? ये सब शिव काशी अंकल का जादू है। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने प्यार से समझाया, क्योंकि किसी ने मुझे भी प्यार से समझाया था। प्यार बांटते चलो, गेम खेलते। काशी अंकल, शिव काशी अंकल, काशी अंकल, कमाल का हुनर है आप में, क्या समझाया है, है? चलो मैं ना। बाय बाय। क्या चेहरे अंकल, आप जरा अपनी बेटी को बुलाइए ना। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। तो उससे एक साल ही बड़ा हूँ मैं, सिर्फ बाल ही चले गए हैं मेरे। नहीं नहीं, वो खाली पकड़ बैल क्यों बजाया? आपकी बीवी नहीं, आपकी बेटी इंदु से मिलना था। मेरी बीवी को मेरी बेटी बोलता है? है क्यों भाई, प्यार का चक्कर है क्या? बचपन से। तो तू मेरा दामाद बनने आया है? सही समझ लिया। अरे तू तो मेरी बेटी से भी ज्यादा शर्माता है। उसने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम इतने हैंडसम हो। एक्चुअली उसने मुझसे कमिट नहीं किया ना, कमिट करेगी तो बता देगी। उसने कमिट नहीं किया, पर तुमने कमिट कर लिया। अपने कमिटमेंट के लिए मुझे कमिट करवाना है कि मैं तुम्हारे कमिटमेंट में फंस जाऊं। मारते क्यों? क्यों रे,
अभी तक मैंने एंजॉय नहीं किया। बच्चे की प्लानिंग चल रही है हमारी। एक भी नहीं है तो उसने यहाँ क्यों भेजा? हेलो, वो लड़की मेरी बीवी है। आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी करके छोड़ दोगे, और यहाँ बैठ के मैं क्या भजन करूंगा? चल निकल यहाँ से। अंकल भड़कते क्यों? मेरे को नहीं, लुंगी संभालने का होश नहीं है और तुझे लड़की चाहिए। क्या पता अंकल, कहीं छुपा के रखी होगी, आपकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। ए, क्या बकवास कर रहा है? जो मुंह में आ रहे बके जा रहा है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। वो से मैं मां बेग से। सेकंड सेटअप। क्या विचार थे लड़के के? मूड फ्रेश कर दिया। तो फ्रेश होना है तुम्हें। मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? कितने दिन से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? मेरा सोना बच्चा, अपने डार्लिंग पे शक कर रही हो? अरे वो कल का बच्चा कुछ भी बोलेगा तुम। अब सिर्फ मैं बोलूंगी। उस लड़के को पागल कुत्ते ने काटा था जो आके फालतू में तुम्हारी दूसरी बीवी से बात करेगा। नो साउंड। ठीक है, बोला ना नो साउंड। कहाँ रहती है वो चुड़ैल? आहा, भगवान की कसम खा रहा है। वैसे कौन से भगवान की कसम खा रहा है तू? कृष्णा, मतलब तू तो पक्का बिगड़ने वाला था। चुप कर, राम बनता है। ठीक है, उस लड़के को बुला के ला और उससे कहलवा कि तेरा कोई भी अफेयर नहीं है, तब जाके तू बाप बनेगा। नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, औरत के खिलाफ मारपीट का केस लगवाऊंगी, फिर कमर पर डंडे पड़वाऊंगी। क्या करूंगी मैं? जाओ जाओ ना। डरना मत, हमला होने वाला है। जारी पे हमला जारी, ये मर्द तुम्हें बचाएगा। मैटर खोलो। वो मेरा रेप करना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ रे, उसे यहाँ भेज। कितने पेशर हो, लंच में एक लड़की तो डिनर में दूसरी लड़की, कितनी लड़की की जिंदगी के साथ खेलोगे इस लड़की में? ए सविता भाभी, ये बता ये तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तुम अकेले में इससे तो सपोर्ट नहीं कर रही? इस चिपकली में ऐसा क्या है? इस बोतल से भी इसकी कम हाइट है रे। ए, तू खामा का मुझ पे शक कर रहा है। मैं चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरी एज जानता है 245, एकदम स्टील वर्जिन। मक्कम का होला है रे। अभी तक किसी ने छुआ नहीं, समझे? सविता भाभी, खुलिए मेरे ताले की चाबी। आ छैया छैया करे ताता थैया। तू खड़े दिल पे वार नहीं कर सके। चुप जा पाती या फिर इज्जत गवाती। ये सब फेरे हो जाने के बाद भाभी, 45 साल के गुड़ की चली साड़ी लेकर कहाँ चली? छोड़ छोड़ भाभी। सविता, लिखूंगा तेरे लिए कविता, मिलके खाएंगे पपीता। जब आ रही मैं हाथ डाल रहा तू उंगली कर रहा है भतीजा। आता कुट कुट चालू या हमें बुलाए पपीते जा गया। तू रेप इसका कर रहा है और कपड़े मेरे फाड़ रहा है। कोल्हापुरी मिर्ची मेरे होते हुए तू किसी और का रेप कैसे कर सकता है? राजा। सविता भाभी। राजा। सविता भाभी, बीवी भाभी, ये काय साला, तुम आज इच्छा पूरी छोड़कर क्यों चली गई? चोरी जमने से पहले तू मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेर कर चली गई। ये क्या किया तेरी वजह से? अरे मार डाला मैं तुम्हें इसे। अरे काय साला मार डाला तुम्हें इसे। मैंने इसे नहीं मारा। फूल को भी फूल पे गिरने से मरती है क्या? एक बार छाल पीकर घास पर गिर कर ये कोमा में चली गई थी। देख इसकी कम से कोमल नाजुक काया। तुम इसे किस एंगल से कम सिन कह रहे हो? चिंपांजी लेटा हुआ साड़ी पहन के पहले खून करते हो, उसके बाद पंच मारते हो। आज का जी टीवी, स्टार टीवी, सहारा टीवी, मार्डा। अरे गला फाड़ना बंद करो। न्यूज वाले को मत बुलाओ, पहले इसको ठिकाने लगाओ। तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो बोलोगे वही करूँगा। जो कहूँगा करोगे, कसम से। सविता चलो। रोज रोज वही डांस और वही ठुमके लगा के मैं दिन ब दिन ढलता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है जो इस डांस स्कूल का नया मास्टर भी होगा। मास्टर जी, वो कौन है? उसके घुंघरों की आवाज से बंद द्वार भी खुल जाते हैं। वो जब दोनों हाथों से ताली बजाता है तो नाग भी उसे सलाम करता है। उसकी चाल देख कर लोगों का चाल चलन ठीक हो जाता है, इतना आकर्षक है वो। Oh!
गुरु जी की शिष्याओं को मेरा प्रणाम। मास्टर जी, आप इसे नहीं जानते। कल रात मैं इसे अच्छी तरह जान गया हूँ। ये बिल्कुल सीता फल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से पिलपिला। थैंक्स फॉर द तारीफ गुरु जी। देखिए मास्टर, श्वेता, मास्टर जी से जबान नहीं लड़ाते, मैं बात नहीं करूँगा। मास्टर जी, हम में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। श्वेता, मेरे पास बस का पास है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं ही कल डिले लेता हूँ। मैं सविता भाभी के पास जा रहा हूँ। अपने आप की नहीं सुन सकते तो क्या हुआ, मेरी तो सुन सकते हो ना। मास्टर, कहीं नहीं जाओ। थैंक यू मास्टर जी। मेरी कसम, तुम ही मत जाओ। तलांग टिकटे तलांग टिकटे तलांग टिकटे तलांग टिकटे तलांग टिकटे। मास्टर जी, इसने मुझे चुम्मी दी। हवाई चुम्मी तूने क्यों दी? आप ही ने मुझे ये पोज सिखाया ना मास्टर, आंख और होंठ का पोज, आंखें ऐसे चलाओ, होंठ ऐसे हिलाओ। बेटी, ये नई कला है, नए गुरु से नई कला सीखो। मास्टर, अब क्या हुआ? मुझे उसकी कमर नहीं दिख रही है। वो क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है? उसे तुम्हारी गोद में बैठ के डांस करने को कहूँ? देखो, कट का फायदा मत लो, हद में रहो, वरना तुम्हारी चमड़ी उधर। सविता, सविता, बेटी आगे आ जाओ। गुडबाय। आ जाओ। मास्टर जी, आपने नैन मट्टा का पोज कहा था, ये टिप टिप पानी बरसा रही है। नया गुरु तुम्हें सिखाएगा चेली। इसका हाथ तो पेस्ट्री की तरह सॉफ्ट है। ये स्टेप ठीक है ना मास्टर जी? तुमने कह दिया तो ठीक है, कंटिन्यू। ओके मास्टर जी, ये कमर ठीक से नहीं हिला रही है। कब से कमर या पानी हो गया मास्टर? ये स्टेप ठीक है? मुझसे मत पूछो, सही गलत का फैसला तुम ही करो। ये कमर इसे लगे मेरी उम्र। तुमने उसे मारा, कहीं उसने दिल पे ले लिया तो? गुरुजी, आपका नया चेला सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे! किसी मर्द को सुसु करते देख तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे देख रहे हो जैसे रोमांटिक फिल्म देख रहे हो। पलटो, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ोगी? फ्री का शो देखने सारे क्यों आ गए? हमें लगा कि यू सुसाइड। आई सुसाइड? आई नो सुसाइड, आई एम साइनाइड। कोई मुझे टचिंग, ऊपर पहुंचिंग। पर आपके प्यार और अपने पन के लिए थैंक यू। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ, डबल थैंक यू, तुमसा सर्वांसा आभार। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? वो मर गया क्या? जिंदा हो रे। गुरुजी, 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 लगता है आपको मुझे जिंदा देखकर अफसोस हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, श्वेता के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है रे? तुम एकदम थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास भी हो। मैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, श्वेता के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तुम्हें डिलीट कर देना चाहती है। गलत जवाब। तो ये बताओ, यहाँ आने के बाद भी उसने अपने फियांसे को फोन क्यों नहीं किया? जब मैं यहाँ भागता हुआ आया तो वो मैग्नेट की तरह मेरे पीछे भागते क्यों आई? बोलो, 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 बोलो। देवा, इसका कुछ करो, नहीं तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा।